हेलो माय गॉर्जियस एंड लवली लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल कर्व्स एंड स्टाइल्स। मैं हूं मिली, और जी हां, आज हम देखेंगे ये जैकलीन फर्नांडिस का मेकअप लुक जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है आजकल। तो मैंने भी ट्राई किया है, आपके साथ मैं भी शेयर करूंगी ये लुक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, ये बहुत ज़्यादा आसान है और इसमें कोई भी इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने यूज़ भी नहीं किया। आपके पास जो भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, मैं जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आपको बता दूँगी, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे साथ, लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो। हेलो, स्टार्ट करेंगे हम। पहले मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि मैं ये वाला लुक आज क्रिएट करने जा रही हूँ जैकलीन फर्नांडिस का। तो सबसे पहले हम जो है एक नेचुरल ग्लोई मेकअप के लिए मैं ये गुड वाइब्स का रोज़हिप ऑयल लेके अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर लूँगी, क्योंकि स्किन का ग्लोई रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब भी कोई ओकेशनल मेकअप करते हो, आप अपनी स्किन को हाइड्रेट और ग्लो जरूर लेके आएँ हाइड्रेट करके। और अब मैं ये जो है रिमल लंदन का ये प्राइमर यूज़ करूँगी। ये भी हाइड्रेटिंग प्राइमर है। मुझे हाइड्रेटिंग प्राइमर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक तो आपकी स्किन भी प्राइम अप हो जाती है, ऊपर से आपको क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब मैं ये मिलानी का फाउंडेशन यूज़ करूँगी। ये इसके दो तीन पंप मैं बैक ऑफ द हैंड ले लूँगी और इसे डॉट डॉट करके अपने फेस पर लगाऊँगी। फुल कवरेज फाउंडेशन है और मेरा शेड है नंबर 4 और मेरी स्किन NC35 है। इसे मैं अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी, और ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मेकअप। तो इसे ब्लेंड करते जाएंगे हम अच्छे से, और इसके बाद मैं इसे वेट जो है स्पॉन्ज से टैप टैप कर लूँगी। जो भी मेरा एक्सेस होगा इसके अंदर आ जाएगा और मेरा जो बेस है वो एक फ्लॉलेस बेस बन जाएगा। ये ऑलरेडी बहुत अच्छा फाउंडेशन है, इससे बेस वैसे ही बहुत अच्छा आ जाता है। और अब मैं ये कंसीलर लूँगी। ये मैंने कौन सा कंसीलर है, यस ये है मिस क्लेयर का कंसीलर है, और ये मैं थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जैकलीन का फेस जो है थोड़ा सा ब्राइट अप है इस एरिया पे। तो मैंने अच्छे से इसे ब्राइटन अप करने के लिए कंसीलर लगाया है। अब मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ, और ब्लेंडिंग के बाद मैंने जो है कॉन्टूरिंग के लिए मैं एले गर्ल का ये कंसीलर आता है डार्क शेड में, वो यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा मुझे चिजल लुक चाहिए, थोड़ा डिफरेंट एक आप लुक क्रिएट करते हो तो आप वहाँ वहाँ शेड देते हो जहाँ पे आपको उस सेलिब्रिटी के भी शेड्स नज़र आते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा स्क्वायर कट दे रही हूँ फेस को, क्योंकि जैकलीन का जो फेस कट है वो थोड़ा सा स्क्वायर कट आता है। और थोड़ा सा लिप्स को भी ब्रॉड कर रही हूँ, उसकी लिप्स थोड़े ब्रॉड नज़र आ रहे थे। और ऊपर से मैंने ये नायका का मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मॉल्टन आता है ये, चीक पे लगाया है मैंने जो, अभी से मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। ये बहुत अच्छा ब्लश है, इससे अगर आप कोई ओकेशनल लुक क्रिएट कर रहे हो तो एक बहुत ही प्यारा लुक आता है। और फाउंडेशन के ऊपर हमने अभी कोई पाउडर नहीं लगाया है, हम इसी से पहले हाइलाइटिंग कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी हमने लिक्विड यूज़ किया है उसको हम सेट करने के लिए पाउडर भी यूज़ करेंगे। और अब मैं ये शुगर का कंटूर यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने कंटूर किया था वहाँ पे, क्योंकि जब आप लिक्विड को पाउडर से सेट कर देते हो तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और अब मैं ये स्विस ब्यूटी का पाउडर ले रही हूँ, प्राइमिंग पाउडर आता है ये, बिलीव मी दिस इज़ वेरी गुड। इसे यूज़ करने का एक अलग टेक्निक होता है, और ये अगर आप कंटूर पे भी यूज़ करते हो तो ये कंटूर को भी इंटैक्ट रखेगा। थोड़ी फनी लग रही थी मैं। अब मैं ये SFR का पैलेट यूज़ करूँगी, ये न्यूड पैलेट है, इसमें ब्राउन और न्यूडी शेड्स हैं। तो पहले मैं ट्रांजिशन सेट करूँगी, क्योंकि मेरी छोटी हुडेड आइज़ हैं और एक ट्रिक फॉलो करनी पड़ती है। और अब मैं ये जेल आईलाइनर लेके, आप ब्राउन भी ले सकते हो पर मैंने यहाँ पे ब्लैक लिया है, कोई भी जेल आईलाइनर यूज़ कर सकते हो। मैंने स्विस ब्यूटी का आईलाइनर लेके इसे मैं स्मोक आउट करती जाऊँगी, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ब्राउन स्मोकी आईज़ रेडी करनी है, और अच्छे से मैं इसे ब्लेंड करती जाऊँगी, हल्का सा स्मोक आउट करते जाएंगे
बहुत इंटेंस भी नहीं है, ये सॉफ्ट सी स्मोकी आइज हैं। ब्राउन कलर से आप इसको डिफ्यूज करते जाएं जो भी हार्श लाइंस हैं, और रिम पे थोड़ा सा डार्क रहने दें। और अब मैं ये मार्स का जो है आईब्रो जेल आता है, मुझे ये बहुत पसंद है मार्स कॉस्मेटिक्स का, इसे मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी क्योंकि जैकलिन की आईब्रोज बहुत ज़्यादा डार्क डार्क लग रही थी। और अब मैं ये सारा का सारा डस्ट ऑफ कर दूँगी फेस पे। अच्छे से आप देख सकते हो कि मेरा जो कॉन्टूर है वो भी इंटैक्ट है इस पाउडर से। और अब मैं ये कैल की लैशेस यूज़ कर लूँगी, मुझे बहुत पसंद आई हैं लैशेस। और अब मैं मस्कारा लगा लूँगी, स्विस ब्यूटी का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और अच्छे से मैं अपनी जो लैशेस हैं उनको मैं कोट दे दूँगी। और अब मैं ये स्विस ब्यूटी का ही ब्लश लगा लूँगी। ब्लशिंग इज़ मतलब समथिंग वेरी गुड थिंग। यहाँ पे आप थोड़ा सा लिफ्टेड ब्लश यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि जैकलिन की जो चीक्स हैं वो थोड़ी लिफ्टेड लग रही हैं, और बहुत ज़्यादा हम हाईलाइटिंग नहीं करेंगे, बहुत सटल हाईलाइट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसके फेस पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं था। और ये मैंने स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर यूज़ किया, और उससे मैं सब हार्श लाइन को डिफ्यूज़ कर दूँगी एक फ्लफ़ी ब्रश से, और अपनी ब्रोबोन को हाईलाइट कर लूँगी और इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लूँगी। और अब मैं ये नोट का थोड़ा सा पीची ब्लश है ये, क्योंकि थोड़ा पीची लुक चाहिए था मुझे, तो थोड़ा रेड के साथ पीच मिक्स करके मैं लगा रही हूँ, और मुझे थोड़ा सा डिज़ायर्ड लुक चाहिए था। तो डेफिनेटली अब मैं ये लॉरियल इन्फेलेबल की जो है न्यूड शेड काउबॉय यूज़ कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा ब्राउनी न्यूड शेड है, बट मुझे इसके अंदर एक और शेड मिक्स करना था, सो मैंने इसमें मैबलिन का सेंसेशनल में एक न्यूड शेड है उसको मिक्स कर दिया इसके साथ, और मेरा डिज़ायर्ड शेड मुझे मिल गया। तो अब मैंने ये शेड लगा लिया है लिप्स के ऊपर। अच्छे से लिप्स को आप मिक्स कर लें दोनों शेड्स को, तो आपको डिज़ायर्ड शेड मिल जाएगा। और अब मैं क्या करूँगी, येस आई विल फिक्स ऑल द मेकअप, और वो मैं मिस क्लेयर का ये ड्यूई सा मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ये बिंदियाँ लगा रही हूँ। मैंने आईलाइनर लिया है, लिक्विड आईलाइनर लेके आप जैसे जैकलिन की चिन के ऊपर इस तरह से कुछ डॉट्स लगे थे, तो मैं ये डॉट्स बना रही हूँ। और मेरा लुक कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो, ला ये है हमारा पानी पानी लुक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इस तरह का ज्वेलरी आपके पास है तो आप उसको क्रिएटिविटी से कैरी कर सकते हो, अपने ऊपर सजा सकते हो और ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो। आपके पास जो भी फाउंडेशन है वो यूज़ कर सकते हो, कोई खास रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट टेक्निक फॉलो कीजिए। आई होप अच्छा लगा आपको, अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत। तो ये था हमारा पानी पानी मेकअप लुक, इतने आसान स्टेप्स के साथ हमने अचीव किया है। आई होप आपको अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को जितना मर्जी शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं, और मैं आपको सबसे पहले दिख जाऊँ। तो मैं चलती हूँ, कुछ नया लेके आती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है। तब तक के लिए बाय बाय।